जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, परिवार के साथ खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिर यानी कि टॉप 10 फेमस मंदिर की। हम ये नहीं बताएंगे आपको कि टॉप पर ये मंदिर है या डाउन पे ये मंदिर है, भारत के सारे मंदिर टॉप पर हैं। बस फेमस कौन कौन से वो हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। शायद आप इनके दर्शन कर आए होंगे या नहीं गए होंगे, तो आप खुद देखें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने दर्शन करे हैं या नहीं, आप इन मंदिर को घूम कर आए हैं या नहीं। चलिए जानते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिर के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं, जहां हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने और अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु विनती करने आते हैं। अगर आप भी मंदिरों में जाना और देवी देवताओं के दर्शन करना पसंद करते हैं, तो आपको भी भारत के इन 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिर में जाना चाहिए, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो हम विस्तार से जानेंगे कि भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिर के बारे में। तो सबसे पहला मंदिर है माता वैष्णो देवी का। जम्मू कश्मीर के कटरा से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। नवरात्रि के समय इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। आपको बता दें कि कुछ साल पहले माता वैष्णो देवी मंदिर तक जाने के लिए कटरा से पैदल ही जाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में माता वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए घोड़ा पाल की बैटरी कार और हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। और आने वाले 3 सालों में कटरा से माता के भवन तक रोपवे की सुविधा भक्तों को मिलने वाली है। इसका काम शुरू हो चुका है और आने वाले 3 सालों में पूरा हो जाएगा। मैया वैष्णो धाम कैसे जाते हैं, इस पर हमने विस्तार से वीडियो बनाया है, वो हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरा भारत का सबसे बड़ा मंदिर, तिरुपति बालाजी। भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित यह तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। भारत के इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष करोड़ों लोग दर्शन करने और अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु विनती करते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भगवान विष्णु जी का यह मंदिर भारत के सबसे धनी मंदिरों की सूची में शुमार है। चलिए अब बात करते हैं तीसरा मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर। भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी शहर में स्थित 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अपने रथ यात्रा के लिए काफ़ी मशहूर है। जगन्नाथ मंदिर में हर साल होने वाले रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु देश के विभिन्न कोनों कोनों से शामिल होने के लिए आते हैं। यदि आप जगन्नाथ घूमे आए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं हम चौथे मंदिर यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बनारस, जिसको वाराणसी भी कहते हैं, जिसका पुराना नाम काशी है। धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां देश के कोनों कोनों से करोड़ों लोग भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में शुमार इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं 5वें मंदिर सोमनाथ मंदिर के बारे में। गुजरात के कपिला, हिरण और सरस्वती, इन तीनों नदियों के संगम वाले तट पर बसा यह मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही यह मंदिर भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी शामिल है। इस प्राचीन मंदिर के महत्व को आप वेद और पुराणों जैसे ग्रंथों में भी जान सकते हैं। 6वें नंबर पर है रामेश्वर मंदिर। तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक शहर में स्थित यह मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में भी शामिल है, जिसे रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव का ये वही मंदिर है जब श्री राम जी ने लंका जाने के लिए पुल का निर्माण किया था, यानी राम सेतु निर्माण करने से पहले भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना की थी। 7वें नंबर पर है श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर। मुंबई में स्थित इस मंदिर में प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश जी से दर्शन करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बिट्टू और देवबाई पाटिल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण 1801 में करवाया गया था। गणेश जी के इस मंदिर से महाराष्ट्र के लोगों का काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है। 8वें नंबर पर आता है ब्रह्म मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर। राजस्थान के पुष्कर शहर में स्थित ब्रह्मा जी का यह मंदिर पूरी दुनिया का एकमात्र मंदिर है। पुष्कर झील के किनारे स्थित इस मंदिर के पीछे एक काफ़ी दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है, जिसके बारे में जानने के लिए आपको
वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स करना है, जिस पर हम पूरी वीडियो बना देंगे। पुष्कर में हर साल एक मेला भी लगता है जिसमें लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। तो हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का मात्र एक ही मंदिर है, ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर में। 90 नंबर पर आता है कामाख्या देवी मंदिर। असम के गुवाहाटी में स्थित माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक यह मंदिर भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। तांत्रिक लोगों का इस मंदिर से काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है और उनका कहना है कि कामाख्या माता हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। माता जी से दर्शन करने के लिए देश के विभिन्न शहरों से आने वाले पर्यटकों की संख्या हर साल लाखों में होती है। 10वें नंबर पर आता है केदारनाथ मंदिर। भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है, लेकिन इसी 6 महीने में इस मंदिर में विराजमान भगवान शिव के दर्शन करने हर साल करोड़ों लोग आते हैं। इस मंदिर के बंद होने के कुछ ही दिनों बाद इसके दोबारा खुलने का इंतजार लाखों श्रद्धालु ऐसे करते हैं जैसे कि इस मंदिर में जाकर भगवान शिव का दर्शन करना ही उनकी मंजिल हो, और वे लोग इस मंजिल को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर पंच केदार, चार धाम और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी शामिल है। तो इस प्रकार से ये भारत के टॉप 10 मंदिर हैं। चलिए 11वें नंबर पर आपको बता देते हैं बद्रीनाथ मंदिर। भगवान विष्णु जी को समर्पित यह मंदिर छोटी और बड़ी दोनों चार धाम यात्रा में शामिल है। भगवान विष्णु जी के इस मंदिर से सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। यही कारण है कि इस मंदिर में हर साल लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं। तो दोस्तों, आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि भारत के इन 10 और 11 सबसे प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जानकारी जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके बेल के आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें, और नीचे हमें सजेस्ट करें कि आप किस यात्रा की वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।